साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कर्नाटक के चामराजनगर से 24वें दिन की यात्रा की शुरुआत राहुल के साथ समर्थकों का हुजूम। भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बंद, पीएफआई बैन के खिलाफ ट्वीट किया था। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम को मिली धमकी, दिल्ली पुलिस ने शिकायत की दर्ज। राजे को साथ ही भाजपा तलाश रही कर्नाटक फार्मूला, राजस्थान में चुनाव से पहले रणनीति में वसुंधरा राजे। एम इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पीएम ने सिम्युलेटर पर ड्राइविंग की, मोबाइल कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखें। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच का वीडियो वायरल, मंदिर को कोई नुकसान नहीं, घाटी में 9 दिन की दूसरी बार ऐसी घटना। केजरीवाल को राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का डर, बोले गुजरात का सह प्रभारी बनने के बाद केंद्र के टारगेट पर सांसद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश के 2 आतंकी ढेर, 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर, अग्निवीर भर्ती रैली पर हमले की प्लानिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर याचिका की खारिज का, अदालत ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई सिर्फ कुछ प्रचार करने पाने चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की देश में 5G सेवा, सभी महानगरों में आज से सर्विस शुरू। एनसीपी नेता छगन भुजपल पर एक्टिविटीज को दुबई से धमकी दिलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज, सरस्वती प्रतिमा से जुड़ा है विवाद। सुप्रीम कोर्ट से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, बेंच ने पूछा 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश कैसे दें। अरुणाचल व नागालैंड में 6 माह बढ़ाई अफसरा की मियाद, देश के अशांत क्षेत्रों में है लागू। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, गांधी परिवार और G23 का साथ, वाइल्ड कार्ड एंट्री से बदला खेल। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में दाखिल की चार्जशीट, चार्जशीट में पार्थ समेत 16 आरोपियों के नाम। यूपी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का होगा गठन, सीएम योगी बोले एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी प्रोफेशनल जांच एजेंसी। अलीगढ़ में विधायकों ने किया प्रदर्शन, अग्रवाल समाज पर नगर निगम ने कराया है मुकदमा, सांसद के पहुंचने पर भड़के लोग। सीएम आवास पर आया फोन, वाराणसी कोर्ट को उड़ा देंगे, कॉल ने कहा अगर बचा सकते हो तो बचा लो। एयू में अर्थी पर लेटे छात्र, अस्पताल नहीं जाने की जिद पर डटे रहे, जबरदस्ती 3 छात्र नेताओं को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। पीलीभीत
अजीत नगर पालिका की टंकियों में आ रहा गंदा पानी, अधिवक्ता हुए बीमार, डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। इंस्टाग्राम के ग्लैमरस लुक ने ली मां बेटी की जान, रिक्शा वाले की बीवी डॉग घुमाने के बहाने जाती थी नोएडा, पति को चरित प्रथा शक। बुलंदशहर में पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनाम, बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। गोंडा में बदमाशों ने कार चालक की हत्या कर फेंका था शव, 28 सितंबर को गोंडा रेलवे स्टेशन के पास मिली थी कार। उन्नाव दुष्कर्म की घटना, छिपाने पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, दिन पहले चौकी इंचार्ज समेत तीन निलंबित हुए। कानपुर में डांडिया नाइट में झूमे छात्र, नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा में शामिल हुए स्टूडेंट्स। फिर से बढ़ रहा है गंगा का पानी, वाराणसी में अभी भी डूबे 80% घाट और रेत, देव दीपावली की तैयारियों पर अग्रहण। अयोध्या में सड़क हादसा, डीसीएम से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे एम्बुलेंस टकराई, 3 लोग घायल हुए। फतेहपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, चालक की हालत गंभीर, कानपुर रेफर किया गया। अमरोहा में रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड, एसपी ने सर्कल सीओ को सौंपी जांच, जमीन पैमाइश कराने के मांगे थे 10,000। विंध्याचल में भक्तों के लिए फ्री भोजनालय, भक्तों की सेवा के लिए पुलिस भी आगे आई, हेल्थ कैंप में मिल रहा निःशुल्क सुविधा। बिजनौर में फांसी पर लटकी महिला को पुलिस ने बचाया, पति से झगड़ा होने पर फंदे पर लटक गई थी। भदोही में डायरिया की चपेट में 34 लोग, ग्रामीण बोले दूषित पानी से शुरू हुई उल्टी, 10 एक एक कर बिगड़ रही है लोगों की तबीयत। मैनपुरी में पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार, स्पेशल जज ने 10 साल की कैद और 30,000 जुर्माने की सुनाई सजा। जालौन में सड़क निर्माण घोटाले का आरटीआई से खुलासा, बिना निर्माण के निकाली राशि, डीएम ने वीडियो समेत 7 पर की कार्यवाही। रायबरेली में सड़क हादसा, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हालत नाजुक। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज एनएच पर हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत, 1 घायल। हापुड़ में 2 युवतियों से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की दे रहे धमकी, एसपी बोले जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। संभल में दबंगों ने सफाई कर्मचारी को पीटा, गुस्साए सफाई कर्मियों ने कोतवाली में किया हंगामा, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। कार में लगी आग, मथुरा में नेशनल हाईवे पर कार में लगी आग, मचने से हड़कंप मच गया, दमकल ने आग पर काबू पाया। ललितपुर में महिला से नौकरी के नाम पर दुष्कर्म, जबरदस्ती घुस कर मारपीट करने का भी आरोप।
अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बच्चों को लेकर भागने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी की हत्या की, घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप, कार्रवाई में जुटी पुलिस। अमेठी में संविदा कर्मी के साथ उपभोक्ताओं ने की जमकर मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बने गड्ढे में युवक की डूबने से हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, लगभग डेढ़ दर्जन लूट व चोरी के मामले में वांछित चल रहा था छात्र बदमाश। ऋषिकेश में कई घर की दीवारों में मिली शराब का भंडार, आबकारी विभाग ने मारा छापा तो फटी रह गई आंखें। साठ घंटे बाद हरिद्वार पंचायत चुनाव के सभी परिणाम घोषित, 6 नव निर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल। उत्तराखंड विस भर्ती प्रकरण, निलंबित सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण भेजा, 5 साल में इन्हें मिले थे 3 प्रमोशन। उत्तराखंड में सितंबर में सामान्य से 1.5 गुना वर्षा, फिलहाल हल्की बारिश के आसार। उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से राजस्व क्षेत्रों में तैनाती की जाएगी पुलिस, कैबिनेट में लगाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती, धानी कोचिंग संचालक गिरफ्तार, हरिद्वार में कराता था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। अंकिता हत्या मामले में पटवारी वैभव प्रताप हिरासत में, सीने में दफन, राज उगलवाने की कोशिश में एसआई की। उधम सिंह नगर में ससुराल में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, मायके वाले बोले हत्या हुई है, कान से निकल रहा था खून। पिथौरागढ़ में दिन से होगी गजब की रामलीला, महिलाएं निभाएंगी सभी रोल, नीमा बनेंगी रावण तो ममता हनुमान। उत्तराखंड में 56 और व्यक्तियों की डेंगू की पुष्टि, इस साल अब तक आए कुल 1171 मामले। उत्तराखंड में वन प्राणियों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में निकली साइकिल रैली, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। उत्तराखंड में खाकी के दायरे में आए कुमाऊं के 1221 राजस्व गांव, अंकिता के मर्डर से राजस्व पुलिस पर उठे थे सवाल। उधम सिंह नगर में महिला को धमकाकर दुष्कर्म करने का प्रयास, विरोध करने पर हत्या करने की कोशिश, मुकदमा दर्ज। अंकिता के परिजनों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, चेक सौंपते ही फवक पड़े पिता। पहाड़ से मैदान तक खिली चटक धूप, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। साल बाद कनाडा में डॉक्टरों की कमी, इमरजेंसी में भी 100 से 125 घंटे स्ट्रेचर पर इंतजार, राष्ट्रीय संकट के हालात।
यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, बाइडेन बोले नाटो अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करेगा। शिया कमांडर ने सुन्नी लड़की से किया रेप, सुलगा ईरान, भीड़ ने सरकारी ऑफिसों में लगाई आग, पुलिस फायरिंग में 36 की मौत। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप, एक की मौत, कई मकान क्षतिग्रस्त। बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति को करारा जवाब, कहा पुतिन मेरी बात को हल्के में ना ले, एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में 16 मिसाइलें दागी, अपने की मदद करने जा रहे 23 लोगों की मौत, सड़क पर कई मीटर गहरा गड्ढा बना। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन में 9 यूरोपीय नागरिक गिरफ्तार, अब तक कुल 83 लोगों की मौतें। सुन ले यूक्रेन और अमेरिका, डोनबास के लोग अब रूसी नागरिक, पुतिन ने दी आखिरी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने फिर दागी ब्लास्टिंग मिसाइल, अमेरिका की चेतावनी को किया नजरअंदाज। समुद्री चक्रवात इयान पहुंचा दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा में मचाई भीषण तबाही, 9 लोगों की मौत। देश में आए 5G दिल्ली मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस, आज से जियो दिसंबर तक देश भर में पहुंचा देगा 5G। आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 6.10% तक मिलेगा इंटरेस्ट। डेल एक्सपीएस 2-in-1 टैबलेट कम लैपटॉप लॉन्च, 13 इंच 3 के डिस्प्ले में 11 एमपी रियर और 5 एमपी कैम बैक शामिल। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती, दिल्ली में 25.5 रुपए हुआ सस्ता। एसबीआई समेत 3 बैंकों ने महंगा किया कर्ज, आरबीआई के रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद लिया फैसला। सभी बीमा पॉलिसी को डिजिटल फॉर्म में रखना जरूरी, इडाई ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले 2025-26 तक $120 अरब होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। सेबी की बैठक में फैसला, आईपीओ के नियम सख्त, कंपनियों को देनी होगी पहले से ज्यादा जानकारी। रेपो रेट बढ़ने के बाद एचडीएफसी ने भी लोन पर ब्याज दर बढ़ाई, 50 बीपीएस का इजाफा। आरबीआई का बड़ा बयान, कहा कानून के दायरे में रहकर कर्ज वसूली का काम करे आउटसोर्स एजेंट नहीं। बाबर ने कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की, टी20 इंटरनेशनल में सबसे 3000 रन पूरे करने के मामले में की बराबरी। रायपुर में सचिन और साथियों की मस्ती, तेंदुलकर ने झील के किनारे लिया कॉफी का मजा, रैना ने चलाई स्पीड बोट।
क्रिकेट के बाद अब गोल्फ में भी छाए धोनी बड़ी ही गंभीरता से गोल्फ खेल रहे हैं और शानदार शॉट्स लगा रहे हैं। पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज आकिब ने कहा भारत ने चयन में गलती की, या पेसर अभी भी हो सकता है बुमराह का अच्छा विकल्प। पहले मैच के हीरो चाहर अर्शदीप ने काटा के गुवाहाटी में पारंपरिक रूप से हुआ भारत अफ्रीका टीम का स्वागत। जोधपुर में भीलवाड़ा किंग्स की रोमांचक जीत, गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराई, यूसुफ पठान की धुआंधार बैटिंग। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए, ICC ने अनाउंस की प्राइज मनी, फाइनल में हारने वाली टीम को मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए। बुमराह खेल सकते वर्ल्ड कप, गांगुली बोली टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी उन्हें बाहर नहीं किया गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई, इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता करो या मरो का मुकाबला। मोहम्मद सिराज और उमरान मालिक जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, बुमराह को लेकर सस्पेंस बरकरार। मलाइका अरोड़ा ने रैंप वॉक करते हुए लगाई ठुमके, डिजाइनर गोपी वैद्य के शो में हुई स्पॉट। पोनियन सेल्वन 1 के डायरेक्टर मणिरत्नम बोले हमारी कहानी 1000 साल पहले की, मगर हैवी VFX यूज नहीं किया। आलिया भट्ट लॉन्च करेंगी अपना मैटरनिटी वियर ब्रांड, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। शाहिद कपूर मीरा राजपूत का क्यूट वीडियो आया सामने, डिनर डेट पर पहुंचा कपल, एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। कपिल शर्मा ने शेयर किया मजेदार वीडियो, दोस्त के साथ दुबई के रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, कॉमेडियन वेटर ने पूरी तरह डराया। आशा पारेख कुमिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, बोली ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, इसे पाकर लग रहा जैसे मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कैजुअल लुक में आई नजर, पेपराजी को दिए पोज। भारी भीड़ के बीच आलिया को प्रोटेक्ट करते दिखे रवि, ब्रह्मास को प्रमोशन करने पहुंचे दोनों, वीडियो देख फैंस हुए इंप्रेस। हॉस्पिटल पहुंची विपाशा बसु, जल्द मिल सकती है गुड न्यूज, पति करण सिंह ग्रोवर भी साथ नजर आए। बाल नरेन का ट्रेलर रिलीज हुआ, चाय बेचने वाली बच्चे ने कोरोना से गांव को बचाया, सच्ची घटना पर आधारित है ये फिल्म। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।